Hi guys, welcome back to my channel. So, she is my friend Varsha from Sirmaur. She is my another friend Prerna from Sirmaur. और हम आप इस लुक में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आज हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं वर्षा और प्रेरणा के रूम की. सो बेड्स भी हमने चेंज किए हैं. ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेड बॉक्स वाले बेड लाए गए हैं. हम बहुत जोरों शोरों से चला है तो मैं आपको बताती हूँ काफी सेटिंग चेंज हो रही है. गाइज सो गाइज हमारे कॉलेज वालों ने हमारी छुट्टियां कैंसिल कर दी तो फिर हम काफी गम में थे. तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए. तो बैठे-बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम. बैठे-बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम. शुरू करो सेटिंग लेके प्रभु का नाम. सो अभी हम किताबें विताबें सब कुछ सेट कर रहे हैं. एकदम से सेट हो जाएगा. और ये हमारा लुक है आज का. यू नो मैं काफी सेंसिटिव हूँ तो मुझे यू नो गॉगल्स भी लगाने पड़ गए. ना इसमें एमडी की प्रेपरेशंस के वो है नोट्स. ये ऐसी बुक्स हैं जो कभी खुली नहीं. गाइस जो पराठा परूठा के चश्मे होते हैं उनमें क्या खास होता है? स्टैंडर्ड क्वालिटी. ऐसे तो ये भी काफी स्टाइलिश सा चश्मा है. व्हाटएवर, आई डोंट बिलीव इन ब्रांड्स, आई एम डाउन टू अर्थ कुड़ी. सो मैं आपको सेटिंग बता देती हूँ कितनी हुई है. ये है बेड और ये बेड के पीछे अब क्या करूं, किताबों का ढेर. किसी को आयुर्वेद की बुक्स वगैरह की जरूरत हो तो कॉन्टैक्ट अस. सो गाइस मैंने जितनी हेल्प करनी थी या कर सकती थी उतनी तो मैंने कर दी. तेरे इसमें गाने बज रहे यार वर्षा, बंद कर दे इसको. वर्षा पटियाला पैगलान छटी था. सो क्योंकि अब इनकी रूम है ना और इनकी सेटिंग है तो फिर ये अपने हिसाब से ही करेंगे. मैं इसमें क्या ही हेल्प कर सकती हूँ. बैठ के ज्ञान ही पहन सकती हूँ. मैं वही पहन रही हूँ. ये तो अचानक से प्लान बन गया. कौन सी? ये तो मैंने निकाल के रखी है. एमडी की प्रेपरेशन की है. कुछ नहीं, एमडी की प्रेपरेशन पता नहीं, लिख भी नहीं रखा आज तक इसमें मैंने कुछ. चलो फिर तेरा बैठ के. नाम तो तूने लिखा है इसमें. नाम तो वर्षा का है इसमें. डायरी फ्रेंड ने दी है. फ्रेंड टेबल सेट कर. थक गई मैं. करना है नहीं इसने इतना बेड से खिसका के थक गई है. गाइस मैंने मेरे ऊपर बेड बॉक्स गिराया. अभी बेड बॉक्स का फट्टा मैंने नहीं यार, वो डिसबैलेंस हो गया. डिसबैलेंस मेरा एक अंदर डिसबैलेंस हो गया. तो गाइस इंजरी हो गई. कर यार प्लीज कुछ समस्या. तो गाइस मैं थक चुकी हूँ तो अब मेरे जो ये है ना बेड उसकी सेटिंग करेगी लवण्या. सॉरी लवण्या. तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपना बेड. इसका ये हो जाता है बैग. नहीं स्टॉप करके फिर बैग करना. अच्छा तो ये इतना कबाड़ है ना अभी. वर्षा हट जा रहा 2 मिनट. ये इतना सारा कबाड़ है अभी, ये भी ठीक करना है. गाइस देखो प्रेरणा से ज्यादा यार मैंने किया. क्या किया? मैंने बेड हटाने में मदद करी. अब मैं यार थोड़ी अपनी पीठ सीधी कर रही हूँ. मेरी पीठ में दर्द हो गई. गाइस देखो मेरे को ना मुझे प्रॉब्लम है. मेरे जो नेक है ना वो ट्विस्ट हो गई थी. तो मुझे थोड़ी दर्द होती है. हट जा, कर रही हूँ ना मैं बात. तो गाइस मेरा फोन खराब हो रहा है. प्रेरणा उठना और गाइस को देखना. ओके गाइस आप तो अपनी शक्ति दिखाने वाले थे. दूसरी चीजें तो ठीक करो. ये कहाँ कर रहे हैं? पहले बुक सेट कर. बिगिनिंग से शुरू करते हैं ना. हाँ बुक सेट कर अपनी. सर्जन इसको कुछ भी नहीं आता है क्या? किताबें भी निकालने नहीं आ रही है इसको. निकाल रही हूँ ना. एक एक ले जाओ. मेरे में बहुत जान है. बहुत जान है. बहुत. सो गाइस अब मैं कीलों का इंतजाम करने जा रही हूँ. और मेरी असलियत पर मत जाना. ये तो मैं पहन के नहीं जा सकती. सो ये काफी बुरी लग रही हूँ मैं भी. बट इट्स ओके. नहाई नहीं हूँ ना अभी तक. इसलिए क्या मजाक उड़ा रहा है मेरा. सो चलो गाइस सामने वाले रूम में चेक कर लेते हैं. पहले खेले पर ये तो पितकु पितकु सी है. पितकु पितकु सी एक ये भी है. एक ओ एक बड़ी वाली खेल भी है. घूम के निकल गई. सो
चलते हैं। सामने वाले रूम में गई थी मैं। गाइस एक ही ना बस, छोटी छोटी हैं, चाहिए तुम्हें? मेरे रूम में पड़ी हैं वो तो। और डालेंगे किससे इसको अंदर? पत्थर नहीं है तुम्हारे पास? इन गरीबों के पास तो कुछ पत्थर ले, पत्थर भी मेरे पास तीन तीन पत्थर हैं, तीन तीन बोतल भी गिनने वाली है इसके। ये तो सीन थे कैप्चर करने वाले, ये तो सीन थे। आपने अब आप क्या ये बोतल ये क्या कर रहे थे इधर? मैंने नहीं रखे हैं यहाँ पे। मैंने रखे हैं तो गिराने हैं क्या? मेरी बराबरी है वहाँ पे। अब आपका हाथ में कैमरा, तो आपने दुनिया कैमरे से देखी है। बढ़िया ही, गिर जाऊंगी तब तो। दुनिया कैमरे से देख, मेरा साबुन। मेरा प्यार से साबुन यूज करो और सोने का कॉइन पाओ। बहुत ज्यादा लक्स खरीदे थे हमने, बहुत ज्यादा, एक भी नहीं मिला। मामा ने डिटॉल का धुला। हमने काफी सेटिंग कर ली। गाइस मैं बहुत थक गई हूँ। आप मुझे देख सकते हो, हमारे रूम का कबाड़ तो देखो आप। जिंदगी नरक बन चुकी है यहाँ रह रह के, कबाड़ ही कबाड़ है। अभी यहाँ झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। ओके गाइस इनको निकाल लो लाइफ से।